एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से हैंडल संभाल रहा हूँ। ये नदी, और नदी का पानी लग रहा है काफी टाइम से रुका हुआ है यार, क्योंकि इसके अंदर काई जम गई है, देख रहे हो आप लोग। खैर फिलहाल थोड़ी दूर रुकूंगा, 2 मिनट, उसके बाद चल दूंगा यहाँ से। और गाइज अभी क्या हुआ, बेबी अभी गलती से मैडम जी ने दो दाने, मैंने व्रत रखा था और मैंने मुंह में मसूर का दाल ऐसे डाल लिया कच्चा, फिर मुझे याद आया मैंने तो व्रत रखा था। नदी के किनारे तो हमसे हमेशा कुछ ना कुछ डेड बॉडी वगैरह जलती रहती है और लोगों को दफनाया भी जाता है, तो हिंदुओं के लिए अलग से है कब्रिस्तान और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं का तो शमशान घाट होता है ना गाइस। बस अंकल यही साइड में रोक दीजिएगा। तो गाइस हम पहुंच गए रिलायंस मार्ट, अभी इसके अंदर से मैं लेने वाला हूँ चावल आटा। इस बार लग रहा है कि आटे का तो डिस्काउंट नहीं लगा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। आशीर्वाद का आटा है, यही ले लूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो यही ले लूँगा, फॉर्चून का आटा है। तो लग नहीं रहा कि जो हम पिछली बार आटा ले गए थे ना वो आटा तो है नहीं, अभी तो ये आशीर्वाद का आटा है। ये छोटे मोटे सामान घर के ये तो लेता रहता हूँ, ये एक नया साबुन आया है और ये देखो गाइस पतंजलि का कौन सा है, ये राख और नींबू का चमकार, कितने का ये पता नहीं कितने का है, 10 रुपये तक का ही होगा ये। एक किलो चना दाल, ये तो 1 किलो है, आधा किलो का किधर है, ये आधा किलो। और जो घर का राशन लेना था वो मैंने ले लिया, काफी भारी हो गया यार, एक एक करके ले जाता हूँ। गाइस ये सारा सामान लाके मैंने यहाँ पर पटक दिया है, बाकी मैडम का काम है इसको अच्छे से तय लगा के रखने का। ये देखो इधर आटा वाटा सब फेंका, इधर कच्ची घनी तेल है, इधर सरफ है और हमारा ये गोलू मोलू अभी खेलना स्टार्ट कर रहा है। और गाइस क्या खा रहे हैं बाबू, ये निगल मत जियो। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ, इवनिंग का टाइम है ना, फिर सूर्य देवता तो वैसे ऑलमोस्ट डूब चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा बस मेरे को टाइम मिला है, थोड़ा बहुत साइकिल वाइकिल चला के आता हूँ। ये अपनी बड़ी मर्सिडीज। और गाइस अभी क्या हुआ, बेबी अभी गलती से मैडम जी ने दो दाने, मैंने व्रत रखा था और मैंने मुंह में मसूर का दाल ऐसे डाल लिया कच्चा, फिर मुझे याद आया मैंने तो व्रत रखा है, देख लो मैं क्या, मेरे अंदर थोड़ी ना गया, मैं तो बाहर से फेंकती ना, मैंने गले में नहीं उतरा, गले में उतरा ही नहीं, मैं बाहर से फेंकती बच गई। वरना आज तुम्हारा उपवास तो नमक थोड़ी ना था उसके अंदर, फिर भी अन्न तो तुम खा चुके होते। फिर सो गाइस अपनी मर्सिडीज जो है बाहर निकल चुकी है, अब इसको आज मैं लेके जा रहा हूँ एक नदी की तरफ, और शाम का टाइम है, मैं सोच उस नदी के ऊपर ब्लॉग में बाद में बनाऊँगा, बट आज मैं आपको बस ऐसे दिखा देता हूँ।
इस साइड से चलेंगे। साइकिल की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगा मैं इतनी तेज़ रफ्तार में इधर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये हमारी एरिया का सबसे फेमस मंदिर है जिसका नाम है देवी दर्शन। जैसे इसके बगल में ये BITT एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट लोगों की भीड़ रहती है। मैं इसके सीध में आगे चला जाऊँगा और गेट का दर्शन मैं आपको करा के ले जाता हूँ। ये देखो हमें आगे थोड़ा और जाना है, आगे जाने के बाद रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान आएगा। इधर का रोड भी काफ़ी मस्त है, बहुत दूर दूर पर घर बने हुए हैं ना, ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है यहाँ पर, कम लोग रहते हैं। अंदर की तरफ जाने के बाद बहुत ही खेत खेत बड़े बड़े से नज़र आएंगे। एक बात तो है, साइकिल ये जो साइकिल है ना कमाल की है यार, मतलब बंदे किसी सामने से बगल से होकर अगर निकल जाए ना तो एक नज़र तो बंदा डालता ही है मेरी साइकिल के ऊपर। अब ये रास्ता जहाँ ख़त्म होता है वहीं से फिर मतलब एक छोटा सा बड़ा सा कब्रिस्तान आएगा, और ये शायद मेरे बगल में ये देख रहे हो ना, ये भी कब्रिस्तान ही है। यहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। नदी के किनारे तो अक्सर मैंने सुना ही है, नदी के किनारे तो हमसे हमेशा कुछ ना कुछ डेड बॉडी वगैरह जलती रहती है और लोगों को दफनाया भी जाता है। तो हिंदुओं के लिए अलग से है कब्रिस्तान और मुसलमानों के लिए, हिंदुओं का तो शमशान घाट होता है ना गाइस, हाँ तो मुसलमानों के लिए है कब्रिस्तान और हिंदुओं के लिए शमशान घाट। शमशान घाट जो है इस नदी के बगल में है। ये देवनगर इस एरिया का सबसे लास्ट कॉलोनी है, क्योंकि इसके बाद ये इधर से नदी स्टार्ट हो जाती है जहाँ से ये रोड ख़त्म होगा। काफ़ी नज़दीक पहुँच गया मैं, शाम का टाइम है यहाँ पर, अधिकतर शाम के 7 बजे के बाद लोग कहाँ आने जाना कम हो जाता है क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो जाता है। ऐसे कोई डर तो नहीं है लेकिन पीने खाने वाले लोग इधर घूमते रहते हैं। इस तरफ जो देख रहे हो ना इलाका, इस तरफ दफनाया जाता है। और यहाँ से ये मेरी छोटी सी नदी जा रही है बगल में। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब ये इतना बना नहीं था, अभी भी देखा जाए तो इतना बना नहीं है, जैसा था पहले वैसा अभी भी है। थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी। एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से हैंडल संभाल रहा हूँ। ये नदी, और नदी का पानी लग रहा है काफ़ी टाइम से रुका हुआ है यार, क्योंकि इसके अंदर काई जम गई है, देख रहे हो आप लोग। खैर फिलहाल थोड़ी दूर रुकूंगा, 2 मिनट, उसके बाद चल दूंगा यहाँ से। इधर लग रहा काम वाम चल रहा है यार, आज पहली बार देख रहा हूँ इतना सारा बालू वालू गिरा हुआ है, बुलबुल बन रहा लग रहा है इधर। वो देखो लग रहा है ब्रिज तैयार हो रहा है इधर। चलो बढ़िया है, इधर से उधर आने जाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वैसे इस नदी को लोग पैदल भी पार कर लेते हैं। नदी के अंदर भैंसे नहा रही है, पानी तो बिल्कुल रुका हुआ तो नहीं कह सकते बट धार बहुत कम हो रखी है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया जुमार नदी के पास, और पहले मैं आता था यहाँ पे थोड़ी बहुत जंप वम्प की मैं प्रैक्टिस करता रहता था, लेकिन अब तो बिल्कुल आता नहीं हूँ मैं इधर घूमने फिरने के लिए। सुबह घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह, और इस पानी के अंदर ना अभी फिलहाल देखो तो काईवाई सी जम रही है, मतलब देखा जाए तो डैम का पानी शायद रोक रखा होगा तो इस वजह से काफ़ी दिन का पानी जो जमा हुआ होगा ना वो गंदा हो चुका है। और उधर गाँव के बगल के लोग हैं तो अपनी भैंसों को नहला रहे हैं, ये देखो। बीच में एक आइसक्रीम की ठेली खड़ी है, लग रहा है वो भैया उधर से क्रॉस करके इधर आ रहे हैं। देखो गाइस भैया ने पैदल ही नदी क्रॉस कर ली। ये खड़ी अपनी, पता नहीं अभी तक तो यार मैंने नाम सोचा भी नहीं कि इसका नाम क्या रखना है, बट अच्छा सा नाम रखूंगा मैं इसका जो भी रखूंगा। और अभी मैंने इसके ऊपर एक बार भी कपड़ा नहीं मारा जब से मैं इसे चला रहा हूँ। देखो गाइस यहाँ से बाइक चलाते हुए पार हो जाती है, और वो आंटी है जो पैदल ही नदी को पार कर रही है, ज़्यादा पानी है नहीं। अब देखना गाइस मुझे ये अप हिल पे चढ़ना है ना, तो देखो ये साइकिल कितनी प्यार से ऊपर चढ़ जाएगी। ये देखो ऊपर ऊंचाई की तरफ जा रहा है,
कितनी प्यार से चढ़ेगी देखो है हल। अगर मैं एक गियर और थोड़ा कम कर दूँ ना तब तो बिल्कुल भी पैर में जोर नहीं लगेगा, लेकिन अभी बिल्कुल ऊंचाई की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। पीछे देख सकते हो आप, ये तो बहुत ऊंचा है गाइस।